हाय फ्रेंड्स, इंग्लिश के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम नया स्ट्रक्चर सीखें। पिछले 8 स्ट्रक्चर हम सीख चुके हैं 8 वीडियो में। आई होप यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देखें। वैसे तो ये अलग वीडियो भी आपको समझ में आएगा, हम इसी तरह से बात करेंगे। 9 नंबर का स्ट्रक्चर है जिसमें सिंपल हमारा एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। ये फर्स्ट फॉर्म हमको प्रेजेंट शो करती है, इसलिए ये प्रेजेंट इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट इसको इसलिए कहा जाता है कि सिंपल है, जो एक्शन होती है या की जाती है नॉर्मली, उसमें और कुछ नहीं होता है, सिंपल होता है। मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, तो ये सब बातें जो आती है, एक्सटेंसिव यूज है इस स्ट्रक्चर का, लेकिन है बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर, लेकिन बहुत यूज होता है। तो अभी हम एकदम से बेसिक सीखेंगे, बेसिक सीखने के बाद फिर हम बड़े सेंटेंस भी सीखेंगे। देखिए, एक सब्जेक्ट मतलब हमने आई लगाया, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब टीच, वो इंग्लिश मतलब ऑब्जेक्ट। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, सिंपल। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, टीच मतलब पढ़ाना। यू रीड पोएम्स, पोएम्स मतलब कविताएं, रीड मतलब पढ़ना, तो आप कविताएं पढ़ते हो। यू रीड पोएम्स, आप कविताएं पढ़ते हो। शी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। शी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। दे रन फास्ट, वे तेज दौड़ते हैं। फास्ट मीन्स तेज, तो वे दौड़ते हैं कैसा, तेज। दे रन फास्ट, वे तेज दौड़ते हैं। ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाता है। ही मतलब वह गाना गाता है। राम किल्स रावण, राम रावण को मारते हैं, राम किल्स रावण। अब इसमें देखिए, कुछ जगह पे हमने सिंपल वर्ब लगाई है, टीच रीड, टीच रीड और रन, जबकि देखिए यहाँ एस लगाया, यहाँ भी एस लगाया और यहाँ भी एस लगाया, मतलब आई यू वी दे और द बॉयस, मतलब ये जो सब्जेक्ट है, मतलब बहुवचन की बात कर रहे हैं हम। आई भी यहाँ पर बहुवचन ही माना जाता है, तो मैं, आप, हम, वे, वो जो भी प्लुरल हो, द बॉयज मतलब प्लुरल की बात कर रहे हैं, मोर देन वन, एक से ज़्यादा हो, तो आई यू वी दे और द बॉयज के साथ में आप गो लगा सकते हो, प्ले लगा सकते हो, हेल्प लगा सकते हो, रन लगा सकते हो, कुक लगा सकते हो। मीन्स आई गो टू मार्केट, आई प्ले चेस, आई हेल्प यू, आई रन फास्ट, आई कुक फूड। फिर इसके साथ ये कापी में आप अलग अलग लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। यू के साथ तो यू गो टू मार्केट, यू प्ले क्रिकेट, यू हेल्प पुअर्स, यू रन फास्ट, यू कुक फूड। फिर दे के साथ दे गो टू मार्केट, दे प्ले क्रिकेट, दे हेल्प पुअर्स, दे रन स्लो, दे कुक फूड। द बॉयज गो टू मार्केट, द बॉयज प्ले क्रिकेट, द बॉयज हेल्प पुअर्स, द बॉयज रन फास्ट, द बॉयज कुक फूड। लेकिन यदि सब्जेक्ट आपके ही, शी, इट, राम या अ बॉय, मीन्स सिंगुलर, ये सारे सब्जेक्ट कैसे हैं, सिंगुलर है, तो हम जो हमारी वर्ब है उसमें देखिए हमने ई एस या एस लगा दिया है, एस या ई एस। तो यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो तो दिक्कत नहीं है, सीधी वर्ब लगाना है। लेकिन यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो फिर हम क्या करेंगे, वर्ब में एस या ई एस लगा देंगे। इन्हें भी अलग अलग लिख सकते हैं, ही तो सबके साथ ही गोज टू मार्केट, ही प्लेस क्रिकेट, ही हेल्प्स पुअर्स, ही रन्स फास्ट, ही कुक्स फूड। आगे शी गोज टू मार्केट, शी प्लेस क्रिकेट, शी हेल्प्स पुअर्स, शी रन्स फास्ट, ही कुक्स फूड। राम गोज टू मार्केट, राम प्लेस क्रिकेट, राम हेल्प्स पुअर्स, राम रन्स फास्ट, राम कुक्स फूड। अ बॉय गोज टू मार्केट, अ बॉय प्लेस क्रिकेट, अ बॉय हेल्प्स पुअर्स, अ बॉय रन्स फास्ट, अ बॉय कुक्स फूड। मतलब मैं मार्केट जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं मदद करता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, ये सब क्या है, इस इन सारे सब्जेक्ट के साथ सिंपल वर्ब और इन सब के साथ एस या ई एस। अब इन सेंटेंस के मीनिंग भी समझते जाओ ताकि हिंदी से आप इंग्लिश कर सको, और वैसे तो इंग्लिश से ही पढ़ना चाहिए। आई गेट अप, गेट अप मतलब उठना। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई इस श्रेणी में आता है इसलिए हमने सिर्फ गेट लिखा। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। अर्ली मतलब अर्ली, अर्ली जल्दी,
अगली मतलब जल्दी, तो मैं जल्दी उठता हूँ, कब, सुबह, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। इसको यदि नेगेटिव बनाना हो तो इसमें क्या है, यदि ये है वर्ब्स तो यहाँ पे आपको सिंपल डू नॉट लगाना है या शॉर्ट फॉर्म डोंट बोल सकते हो। वो यदि ये है तो इनके साथ भी डू नॉट लगता है, लेकिन ये जो ई एस या एस है ये सब हटके इसमें लग जाते हैं, इसलिए डज बन जाता है। तो यहाँ पे हमको डज नॉट लगाना है या डू नॉट, जब आप डज नॉट लगाओगे तो यहाँ पे एस आपको नहीं लगाना है। तो हमने बनाया आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नेगेटिव बनाया आई डू नॉट गेट अप, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन यहाँ रीड न्यूज़पेपर कर दिया है हमने अगले के लिए, आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर मतलब मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं जल्दी उठता हूँ सुबह, आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। वी ईट फूड, हम फूड खाते हैं, हम भोजन करते हैं। वी डू नॉट ईट फूड, हम भोजन नहीं करते हैं। डू यू ईट फूड, क्या आप खाना खाते हो, ये क्वेश्चन बन गया, हेल्पिंग वर्ब हम आगे ले आए तो क्वेश्चन बन गया। डू यू ईट फूड, यस आई ईट फूड, वी ईट फूड, क्या आप खाना खाते हो, यस। दे प्ले चेस, वे चेस खेलते हैं, चेस मतलब शतरंज होता है, शतरंज, प्ले मतलब खेलना, तो दे प्ले चेस, देखिए दे यहाँ पर है इसलिए हमने सी एस नहीं लगाया। दे प्ले चेस, वे चेस खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले चेस, वे चेस नहीं खेलते हैं। डू दे प्ले चेस, क्या वे चेस खेलते हैं। शी सिंग्स अ सॉन्ग, अब देखिए शी लगाया, शी आया, सी एस लगाया। शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, देखिए डज लगाया, डू में ये ई एस निकाल के यहाँ से हटा दिया फिर, तो शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है, वह एक गाना नहीं गाती है। डज शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है। ही अर्न मनी, अर्न 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 मतलब कमाना, तो वह कमाता है, वह पैसा कमाता है, ही अंश करना पड़ेगा ना, ही अर्न्स मनी, वह पैसा कमाता है। ही डज नॉट अर्न मनी, वह पैसा नहीं कमाता है। डज ही अर्न मनी, क्या वह पैसा कमाता है। डज ही अर्न मनी, क्या वह पैसा कमाता है। यू पे द बिल, तुम पे का, पे मीन्स चुकाना होता है, तो तुम बिल का भुगतान करते हो, बिल चुकाते हो, बिल, यू पे द बिल, तुम बिल का भुगतान करते हो। यू डोंट पे द बिल, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म कर दी, यू डोंट पे द बिल, आप बिल का भुगतान नहीं करते हो। डू यू पे द बिल, क्या तुम बिल का भुगतान करते हो, डू यू पे द बिल। द डॉग बार्क्स, डॉग मीन्स कुत्ता, बार्क मतलब भौंकना, बार्क, तो डॉग सिंगुलर है इसलिए हमने एस लगाया। द डॉग बार्क्स मतलब डॉग भौंकता है। इट डज नॉट बाइट, ये काटता नहीं है। इट मतलब ये डॉग के लिए इट लगा सकते हैं, मतलब हमने ही और शी देखा, तो ये पुरुष के लिए, ये स्त्री के लिए, इट किसके लिए, तो जानवरों के लिए बोल सकते हैं, या कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो उसके लिए भी इट हम बोल सकते हैं। जैसे इट रेन्स, बारिश होती है, इट रेन्स, बारिश होती है। तो द डॉग बार्क्स, इट डज नॉट बाइट, डज इट बाइट, क्या ये काटता है, डज इट बाइट, यदि अपन कहीं जाए कुत्ता पूछ लो, डज इट बाइट, क्या ये काटता है। अब डब्ल्यू एच वर्ड से भी हमने क्वेश्चन बना के रखे, क्योंकि ये सिंपल हाँ या ना के तो इसमें आ ही सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे लाने से, डब्ल्यू एच वर्ड से, तो आपको ज़्यादा बनाने हैं, हम पहले थोड़े से देख ले। वाई डू यू ईट, आप क्यों खाते हो, जैसे डू यू ईट, डू यू ईट से क्या होगा, क्या तुम खाते हो, लेकिन वाई डू यू ईट, आप क्यों खाते हो, मतलब खाते तो है पर क्यों खाते हो, वाई डू यू ईट। What do you eat? आप क्या खाते हो? What do you eat? आप क्या खाते हो? Where do you eat? आप कहाँ खाते हो? Where मतलब कहाँ? What मतलब क्या? Why मतलब क्यों? तो where do you eat? आप कहाँ खाते हो? When do you eat? आप कब खाते हो? When do you? कब? When do you eat? कब खाते हो? अब कुछ वर्ब लिखिए। Wash मतलब धोना, Speak मतलब बोलना, Write मतलब लिखना, Dance मतलब डांस करना, Know मतलब जानना, 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 मेक मतलब बनाना। तो कुछ और सेंटेंस देखते हैं हम, इन्हें हटा के इनके साथ बना सकते हैं। जैसे आई नो यू, आई नो यू मतलब मैं आपको जानता हूं। ये क्वेश्चन में हम क्या पूछ सकते हैं, डू यू नो
डू यू नो, क्या आप जानते हो? डू यू नो मिस्टर राम, क्या आप मिस्टर राम को जानते हो? डू यू नो मिस्टर राम? यस आई डू. तो हम शॉर्ट में ही बोलते हैं यस आई डू, पूरा बोलने की जरूरत नहीं, क्या है यस आई नो, तो यस आई डू, हाँ मैं जानता हूँ. या नो बोलना हो तो नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं जानता, नो आई डोंट. आई नो यू मतलब मैं आपको जानता हूँ. और कभी लड़की हो तो क्या बोलेगी? शी नोज, ही नोज, शी नोज, वह जानती है. शी नोज मी, वह मुझे जानती है. शी नोज मी, वह मुझे जानती है. डज शी नो यू, क्या वह आपको जानती है? डज शी नो यू, डज शी नो यू? यस